नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण क्यों खास होने वाला है? क्या ये चंद्र ग्रहण आपको परेशान कर सकता है? क्या इस चंद्र ग्रहण से आपको डरने की आवश्यकता है? कौन सी राशि और कौन से नक्षत्र में ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है? क्या आपके ऊपर इसका कोई दुष्प्रभाव होगा? राशि के अनुसार क्या करना चाहिए, या फिर आपको आपकी राशि नहीं पता तो चंद्र ग्रहण का एक छोटा सा महा उपाय आपको अवश्य ही करना चाहिए। मित्रों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। लाइव आपके प्रश्नों का जवाब भी दिया जाएगा। दैनिक राशिफल की चर्चा करेंगे। कौन सा कलर यानी कि रंग आपके लिए बेहतर है वो भी आपको बताऊंगा। मित्रों, आपके मन में कोई प्रश्न है, हमारी स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप अपने प्रश्न को साझा कर सकते हैं। तो मित्रों, शुरुआत कर लेते हैं हर दिन की तरह आज भी दिव्य महामंत्र से। ओम कृष्णाय नमः। आज के दिन इस महामंत्र का 108 बार जाप करने से आपका बिगड़ा हुआ काम बन सकता है। आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने वाले हैं तो आज के दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करिए, आपका कार्य बनेगा। मित्रों, आगे की ओर बढ़ते हुए अवगत कराते हैं आज के शुभ समय से। आज का शुभ समय आपके समक्ष है सुबह 6 से 7:30 के मध्य। किसी भी नए और महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत करनी है तो इस समय का सदुपयोग करिए, भरपूर लाभ उठाइए। ठीक इसके विपरीत होगा राहु काल, जिससे आपको बचना है। सुबह 9 से 10:30 के मध्य यह समय रहेगा। इस दौरान किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत बिल्कुल ना करिएगा, वरना नुकसान हो सकता है। विषय की ओर आते हुए आपको बताते हैं कि कब है साल का पहला चंद्र ग्रहण, क्यों ये खास है, क्या ये भारत में दिखेगा या नहीं दिखेगा, कौन सी राशि में ये लगने वाला है, कौन से नक्षत्र को ये प्रभावित करेगा और इससे बचने का महा उपाय क्या है, आइए मित्रों आपको बताते हैं। देखिए, इस साल का पहला चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि यानी कि 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। यह सूर्य नारायण का नक्षत्र है मित्रों, यह जान लीजिए। यह चंद्र ग्रहण सुबह से लगभग 10 बजे से और दोपहर 3:02 तक रहने वाला है। यह संपूर्ण भारत वर्ष में नहीं दिखाई देगा, इसलिए इस चंद्र ग्रहण से आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल संपूर्ण भारत में मान्य भी नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा सृष्टि में एक ही है और जब चंद्रमा ग्रसित होता है, जब चंद्रमा पीड़ित होता है, पापी ग्रहों के साथ युति करता है, तो भाई आपकी जन्म कुंडली का चंद्रमा भी गोचरवश जरूर प्रभावित होगा। यहां मैं यही कहना चाहूंगा सभी लोगों से, चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव तो नहीं होगा, लेकिन चंद्रमा और केतु की युति का आपके ऊपर प्रभाव अवश्य ही होगा। तो भाई आपकी सेहत अच्छी रहे, आपके बिगड़े हुए कार्य बन जाएं, हर संकट से आप बचे रहें। कौन से महा उपाय आपको अपनाने हैं आपको बताने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं चंद्र ग्रहण काल के दौरान आपकी सेहत ठीक हो जाए, आप बीमार ना हो, अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, कोई रोग है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाए, तो एक सरल उपाय आपको करना चाहिए। चंद्र ग्रहण हम यहां इसलिए कह रहे हैं मित्रों कि ये संपूर्ण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन चंद्रमा और केतु की युति आपको परेशान कर सकती है, व्यथित कर सकती है। चंद्र ग्रहण काल के समय एक आसन पर आप बैठ जाएं, भगवान शिव के सामने शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं, अपने राइट हैंड में यानी कि अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेकर अपनी सेहत को अच्छा करने का संकल्प भगवान शिव के सामने आपको करना है। भगवान शिव के सामने एक तांबे के लोटे में आप गंगा जल भरकर रखिए, रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमस्तुते इस महामंत्र का 108 बार जाप करिए, या ओम रोग हराय नमः इस महामंत्र का भी 108 बार जाप कर सकते हैं। जाप के बाद जल का छींटा आप अपने संपूर्ण घर में दीजिए, घर की छत पर दीजिए। अगर कोई व्यक्ति परिवार में बीमार है उसे इस जल का सेवन अवश्य कराइएगा और एक चम्मच जल का सेवन आप स्वयं भी करिएगा। ये छोटा सा उपाय मित्रों चंद्र ग्रहण काल के दौरान करने से यकीनन आपको लाभ होगा,
भगवान शिव की कृपा में नहीं रहेगी और कुंडली का कमजोर या पीड़ित चंद्रमा आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। मित्रों अब आपको बताते हैं इस चंद्र ग्रहण पर कैसे होगा आपके तमाम संकटों का नाश। इस चंद्र ग्रहण काल के दौरान आप किसी आसन पर बैठ जाएं, भगवान शिव का ध्यान करें, संपूर्ण शिव परिवार का ध्यान करें और सबसे पहले भगवान गणेश को थोड़ी सी हरी दूर्वा और सुपारी अर्पित कर दें। अब आपको क्या करना है, अब अपने दाएं हाथ में जल लीजिए, भगवान गणेश से आपको प्रार्थना करनी है तमाम संकटों के नाश के लिए। श्री गणेश अथर्व शीर्ष का आपको कम से कम एक बार पाठ करना है, चाहे तो आप विषम संख्या में 1, 3, 5 या 7 का पाठ कर सकते हैं, ऐसा करना भी सर्वोत्तम होगा। और भगवान गणेश को अर्पित की गई दूर्वा से आप अपने घर में छिड़काव करिए, बीमार व्यक्ति को दीजिए ये छींटा और इसी के साथ ही अपने माथे पर भी इस जल का छिड़काव अवश्य करिएगा, ऐसा करने से सभी संकट बहुत जल्द खत्म होंगे। तो मित्रों आज हमने बताया आपको कि चंद्र ग्रहण कब है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, संपूर्ण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, लेकिन आपकी कुंडली का चंद्रमा अवश्य ही पीड़ित होगा। तो भाई अपनी चंद्रमा को पीड़ित होने से बचाने के लिए, चंद्रमा को हर तरीके से मजबूत करने के लिए ये छोटे छोटे महा उपाय जरूर करिएगा और भगवान शिव की शरण में रहिए, नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। मित्रों 4 महा उपाय आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, वो आपके साथ साझा करूंगा, लाइव आपके प्रश्नों का जवाब भी आपको दूंगा, लेकिन पहले जान लीजिए मेष वृष मिथुन का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सारा दिन मन प्रसन्न रहेगा, प्रॉपर्टी में निवेश ना करें, नौकरी के लिए आवेदन करें, शुभ रंग लाल, आज बुजुर्गों की सेवा जरूर करें। वृषभ राशि, अपनी बात पर आपको कायम रहना है, प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, आज झगड़े से नुकसान होगा, शुभ रंग हरा, आज माता पिता की सेवा अवश्य करें। मिथुन राशि, अपने गुरु का आशीर्वाद लें, परिवार का वातावरण खराब ना करें, अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, शुभ रंग गुलाबी, आज अपनी बड़ी या छोटी बहन के चरण स्पर्श अवश्य करें। मित्रों हमारी स्ट्रीमिंग के माध्यम से पानीपत से कन्हैया पॉल जी जुड़ गए, बहुत स्वागत है आपका कन्हैया जी, और ये अपनी बिटिया अन्नू के बारे में जानना चाहते हैं कि उनका करियर कैसा रहेगा, बेहतरी के लिए क्या उपाय करने चाहिए। देखिए कन्हैया जी, आपको बता दूं कि जो आपकी सुपुत्री है मेष लग्न की है और यहां पर मकर उनकी राशि है, वर्तमान समय में उतरती हुई 7.5 का दुष्प्रभाव भी है, तो ऐसे में इनकी पत्रिका में राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग भी है, लेकिन इस समय इनको करियर के लिए अथक प्रयास करने होंगे, मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी, करियर में तभी सफलता मिलेगी, हो सके तो ये अपने माथे पर प्रतिदिन लाल चंदन में गंगा जल मिलाकर तिलक करें और इसी के साथ ही 6:15 से 7:15 रत्ती तक का शुद्ध एक पीला पुखराज आप इन्हें जरूर पहनाइएगा, ये छोटा सा उपाय करिए, आने वाला समय बेहतर भी हो जाएगा और इनकी सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। आइए मित्रों बात करते हैं पहले उस महा उपाय की जो धन की समस्या को खत्म कर सकता है। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में भगवान भोलेनाथ का, भगवान शिव का एक आशीर्वाद देते हुए चित्र आप लगाइए, फोटो लगाइए और शाम के समय सफेद या पीली मिठाई पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, ये छोटा सा उपाय आज के दिन करके देखिए, लाभ अवश्य होगा। आइए मित्रों जानते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, दाम्पत्य जीवन में आज उदासी बनी रहेगी, वाहन खरीदने का योग टल सकता है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, शुभ रंग आपके लिए सुनहरी, आज भगवान शिव को थोड़ा सा चंदन अवश्य अर्पित करें। सिंह राशि, दोपहर तक शुभ सूचना की प्राप्ति आपको हो सकती है, उधार दिया हुआ पैसा मिल सकता है, सफलता प्राप्ति का योग भी बना हुआ है, शुभ रंग आपके लिए मरून, आज रोगियों को दवा का दान अवश्य करें। कन्या राशि, अपना भेद किसी को ना दें तो बेहतर है, अचानक नुकसान से आप बच जाएंगे, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, शुभ रंग नीला, आज वस्त्रों का दान करना बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों हमारे साथ रितेश कुमार जुड़ गए हैं गिरिडीह से, बहुत स्वागत है आपका रितेश जी, और इनका प्रश्न है कि गुरुजी क्या 2024 में मेरी शादी हो पाएगी, अगर नहीं तो कोई उपाय बताएं।
देखिए रितेश, आपको बता दूं कि 2024 में बड़ा प्रबल योग है आपके विवाह का, लेकिन कुछ आपको उपाय भी जरूर करने होंगे। अपने नहाने के पानी में कम से कम आधा चम्मच कच्चा दूध डालकर आप स्नान करिए। शुक्रवार का व्रत करिए। 10 से 12 रत्ती तक का शुद्ध एक ओपल शुक्रवार की शाम अपने दाएं हाथ की तर्जनी उंगली के अंदर आपको अवश्य धारण करना है। ये छोटा सा उपाय करिए रितेश, विवाह के विघ्न खत्म हो जाएंगे। इस वर्ष विवाह के योग प्रबल है। आइए मित्रों, बात करते हैं उस महा उपाय की जो नौकरी, व्यापार और आजीविका की समस्या को खत्म कर सकता है। देखिए, अपने सभी बिगड़े कामों को बनाने के लिए, अपने हर कार्य को सिद्ध करने के लिए 108 हरी दूर्वा की पत्तियां गंग नमा मंत्र का 108 बार जाप करते हुए भगवान गणेश को अर्पित कर दीजिए। यकीन मानिए, छोटा सा उपाय करने से विघ्नहर्ता आपके तमाम विघ्नों का शमन करेंगे। आप बिगड़े हुए कार्य देखेंगे कि बनने लगे हैं और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आइए मित्रों, जानते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, नया वाहन किसी की सलाह से ही खरीदिएगा। आर्थिक पक्ष की चिंता खत्म होगी। बिना कारण परिवार में कलह ना करें। शुभ रंग है आसमानी। आज एक छोटा सा उपाय करिए, बड़ों के चरण स्पर्श अवश्य करें। वृश्चिक राशि, छोटी यात्रा का योग टल सकता है। प्रेम प्राप्ति में बहुत मुश्किलों का सामना करना होगा। अपने गुस्से पर काबू रखिए। शुभ रंग लाल। आज खिचड़ी का दान करें तो अच्छा है। धनु राशि, आज मित्रों से कोई बात साझा नहीं करनी है। नौकरी में बदलाव हो सकता है। धन खर्च पहले से ज्यादा हो जाएगा। शुभ रंग है आपके लिए नारंगी। आज एक पका हुआ पपीता किसी व्यक्ति को दान कर दीजिए। आइए मित्रों, बात करते हैं तीसरे उस महा उपाय की जो आपकी सेहत को अच्छा करेगा। यदि आप डार्क सर्कल से बहुत ज्यादा परेशान हैं, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे हो गए हैं, काला निशान हो गया है, बिल्कुल ना घबराइए। आंखों के नीचे हल्के हाथ से शुद्ध बादाम के तेल की आपको मालिश करनी है। हरी फल सब्जियों का सेवन करना है, आंवले का सेवन करना है। हर तरीके से आपको आराम होगा। आइए जानते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मित्रों से कोई बात ना छुपाएं, जरूरत पर परिवार का साथ दें। रिश्तों में मधुरता आएगी। शुभ रंग जामुनी। आज चने की दाल शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें। कुंभ राशि, रोका हुआ व्यापार चलने लगेगा। नौकरी की समस्या खत्म होगी। माता पिता की सलाह अवश्य लें। शुभ रंग आसमानी। आज एक छोटा सा उपाय करिए, हनुमान उपासना जरूर करिएगा। मीन राशि, आजीविका में बदलाव बहुत सोच समझ कर करना है। बड़े बुजुर्गों की सलाह से ही करना है। वाहन आज बिल्कुल ना चलाएं। संबंधों की खटास आज दूर हो सकती है। शुभ रंग सुनहरी। आज बच्चों को मिठाई खिलाएं तो दिन बहुत अच्छा रहेगा। आइए मित्रों, बात करते हैं चौथे और अंतिम उस महा उपाय की जो हर दुख परेशानी और संकट से आपको अवश्य बचाएगा। मित्रों, सुबह के समय आप अपने घर के मुख्य द्वार पर तांबे के लोटे से जल का छिड़काव करें तो बहुत अच्छा रहेगा, सर्वोत्तम होगा। और उसी शाम सरसों के तेल का एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करिए। अपने कुलगुरु देवी देवताओं का, माता पिता का ध्यान करिए। हर नकारात्मक ऊर्जा के साथ ही हर दुख परेशानी और संकट से अवश्य बचेंगे। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि इस साल का पहला चंद्र ग्रहण कब लगने जा रहा है, कौन सी राशि में लगेगा, कौन से नक्षत्र में लगेगा और इससे बचने का महा उपाय क्या है। वैसे तो ये चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत में नहीं दिखाई देगा मित्रों, लेकिन इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन आपकी पत्रिका में, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और केतु की युति रहेगी गोचरवश। तो ऐसे में आप परेशान ना होइए, बस एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। आप हर दुख परेशानी संकट से बचे रहेंगे और बाबा का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहेगा। तो मित्रों, आज के विषय में इतना ही। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।